नवा साल चढ़न तो बाद पठानकोट विखे सूरज देवता नदारद ही देखे ने। लगातार पै रही धुंद ते वध रही सर्दी की वजह दे नाल जिथे आम लोग परेशान हो रहे ने, उथे दूजे पासे वाहनां दी रफ्तार भी घटी हुई दिस रही है, जिथे तक कि लोकां तक लोड़िंदा समान पहुंचाउण वाले कामकारां नूं परेशान होना पै रहा है। उथे कामकाज ते जाण वाले लोकां नूं भी भारी परेशानी का सामना करना पै रहा है। धुंद की वजह दे नाल सिविल हस्पताल दे विच खांसी जुकाम दे मरीजा दी गिनती दे विच भी इजाफा होया दिस रहा है, जिस वजह दे नाल डॉक्टर भी लोकां नूं लोड़ होण ते घरों निकलण दी सलाह दिंदे होए नजर आ रहे ने। इस बारे जब स्थानक लोकां दे नाल गलबात कीती तां उन्होंने आख्या कि पिछले 20 दिनां तों सूरज ना चढ़न की वजह दे नाल उन्हां दा कामकार पूरी तरीके दे नाल ठप पिया होया। इस दे नाल ही जद कॉलेज च लैक्चरार दे नाल गलबात कीती गई तां उन्होंने भी कहा कि धुंद दी वजह दे नाल विजिबिलिटी घट है, जिस वजह नाल वाहन चलाना मुश्किल है। इसलिए सुबह सरकार नूं चाहिए कि जिस तरह स्कूलों च छुट्टियां वधाईयां गईयां ने, उसे तरह कॉलेज विच भी छुट्टियां कर देनियां चाहीदियां ने। लकी सरोज, केआरटी न्यूज नेटवर्क। मैडम की नाम तुहाडा? श्रुति। की काम करदे हो? मैं लैक्चरार हां तवी कॉलेज। की कहना जी, कड़ाके दी ठंड भी पै रही है ते धुंद भी पै रही है? बहुत ज्यादा धुंद है जी, मतलब स्कूल च छुट्टियां पै गईयां उदा कॉलेजेस विच भी हो जानियां चाहीदियां। हालात की है, किस तरह आंदे जांदे हो? बस इस बहुत ज्यादा औखा होया पे, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा औखी हुई पई है, धुंद नाल कुछ हाथ वगैरह ठरदे। और हां जी, की नाम जी तुहाडा? मेरा नाम मुन्ना जी, मैं फ्रूट दी शॉप है मेरी खानपुर चौक च छापर रोड ते 15-20 दिन ही हो गए धुंद पैंदे, कामा करां दा वैसे बड़ा बुरा हाल है जी, लोकी बाहर नहीं निकलते पे ठंड च, इदा ही आईदा सवेरे ते इदा ही जाके अग उग बाल के ते सेक के चल जाईदा। सूरज निकलन नहीं दिया जी, काम दे ते जमे ही बड़े बुरे हाल है। अर्जुन कुमार सर। की कहना जी, कड़ाके दी ठंड भी पै रही है ते नाले धुंद भी पैंदी पई सर। धुंद च सानू लभदा कुछ नहीं, अगे आटो चलाने आ अहीं, लभे कुछ नहीं, कदा उधरों सवारी भी नहीं आ, सवेरे आईदा अद्धा ही चल जाईदा, एक दो सवारी मिले ते बुरा हाल है काम दा, ते सूरज निकले ते काफी दिन हो गया ते ना कोई सवारी ते ना कुछ, अद्धे वेले चली जाईदा घर बह बू के इत्थे छापर चौंकी, अगे कुछ नज़र नहीं दिखाई दिंदा।